टेक सम स्नैप्स, आई टेक सम स्नैप्स और उससे आपका थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाएगा। बट गाइस फॉरेन टाइमिंग आपको ये फ्री ऐप पे स्टार्ट करना, प्रैक्टिस करना इज नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल। बहुत सारी चीज़ें आई नो प्री कन्फिगर्ड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है, बट सिंपली गाइस आपको करना क्या है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ क्या होता है। आपको कोई बग मिलता है तो यू जस्ट नीड टू रिपोर्ट अ बग। तो सिंपली बग क्रिएट करने के लिए गाइस फ्रॉम द टॉप एंड टॉप टॉप बार यू नीड टू सेलेक्ट द क्रिएट ऑप्शन। क्रिएट से गाइस व्हाट आर द मैंडेटरी फील्ड्स, यू नीड टू सेलेक्ट द प्रोजेक्ट, यू नीड टू सेलेक्ट द इशू टाइप, उसमें टास्क, स्टोरी या फिर इपिक या फिर बग सेलेक्ट कर सकते हो। यू नीड टू गिव द समरी, यू नीड टू गिव द डिटेल डिस्क्रिप्शन। देन डिटेल डिस्क्रिप्शन के बाद गाइस सिंपली हियर यू कैन सेलेक्ट द प्रायोरिटी एंड ऑल, यू कैन गिव द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गिव द डिस्क्रिप्शन, अटैचमेंट आप दे सकते हो। एंड गाइस देन द डेवलपर टू हुम यू नीड टू असाइन दिस डिफेक्ट एंड जस्ट प्लीज क्रिएट, दैट्स इट। तो इसको प्रैक्टिस करो, आज के दिन में आपको आइडिया आ जाएगा। देन गाइस सेम वे हम लोगों ने कल क्रिएट में जाके बग टाइप के जैसे हम लोगों ने स्टोरी क्रिएट किया था, सेम वे वी कैन क्रिएट द एपिक। एपिक आपको पता है राइट गाइस, एपिक क्या होता है? एपिक इज समथिंग ग्रुप ऑफ यूजर स्टोरी, करेक्ट करेक्ट एवरीवन। तो जैसे इपिक है गाइस, अभी इपिक में क्या है, मुझे ये जो होम पेज है, होम पेज में मुझे ये लोगो, ये पर्टिकुलर, ये सारे टेस्ट के ये सारे मेरे रिक्वायरमेंट्स है, ये लोगो टेस्ट करना, ये सर्च बार टेस्ट करना, ये सारे लिंक्स वर्किंग है क्या, ये भी मेरा एक रिक्वायरमेंट है, ये जो ड्रॉप डाउन वाला कुछ दिया है उन्होंने, स्लाइडर दिया है, ये वर्क कर रहा है क्या, देन हियर सम स्लाइडर ऑप्शन, स्लाइडर बैनर्स आर हियर, ये सारे मुझे टेस्ट करने हैं। यहाँ पर मुझे न्यू अराइवल टैब चेक करना है, न्यू अराइवल में ये सारे जो प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं ये मुझे देखने हैं। देन वी हैव सम सोशल मीडिया हैंडलर्स, वेदर इनका लिंक प्रॉपरली चल रहा है क्या, देन सब्सक्राइब का चेकबॉक्स है, सब्सक्राइब बटन वगैरह है, सॉरी सब्सक्राइब का टेक्स्ट बॉक्स है, ईमेल आईडी एंटर करने का, देन सब्सक्राइब बटन एंड ऑल, ये बॉटम साइड का लोगो हो गया राइट। मुझे ये सारे ये होम पेज रिलेटेड मेरे सारे गाइज रिक्वायरमेंट है, दीज आर ऑल द रिक्वायरमेंट। और ये सारे के सारे रिक्वायरमेंट मैं एक ही पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट में, एक ही पर्टिकुलर टिकट में क्रिएट करूंगा और वो टिकट रहेगा मेरा एपिक। एंड एपिक विल कंटेन मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स, मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स के गाइस ग्रुप ऑफ रिक्वायरमेंट्स को आप एपिक बोलोगे। सिंपली यू कैन क्रिएट द एपिक एंड गाइस आप एपिक असाइन कर सकते हो। तो आप लोग ट्राई करना गाइस स्टोरी, एपिक और बग। वैसे आपको स्टोरी और एपिक क्रिएट करने का जरूरत नहीं होता, आपका काम होता है बग क्रिएट करने का, बट ये तीनों ट्राई करके देखना, एक दूसरे को असाइन करो, असाइन करके गाइस ट्राई करो। ओके कोई क्वेरीज गाइस रिलेटेड टू दिस क्रिएट टैब, एनीवन? क्लियर है सबको गाइस? राइट नाउ लेट्स कम बैक टू गाइस हमारा। यस 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 आपने ओके। जो आपका स्क्रीन शेयर अभी स्क्रीनशॉट बताया, मतलब हाँ मुझे ये थे, उसमें ओके आपने प्रायोरिटी सेट किया है, प्रायोरिटी आपने वैल्यूज में डिसाइड किया है, तो वैसा भी होता है क्या? प्रायोरिटी ओके। यहाँ पर द P1 दैट यू आर सेइंग राइट? हाँ प्रायोरिटी में देखिए। हाँ ओके ओके सो ये समथिंग अभी कैसे होता है ना, नंबर हाँ दिया आपने 4। ऐसे हमारा जो टेस्ट केसेस है जो हम लोग ऑटोमेट करते हैं, तो उसको हमने अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है, P1 P2 P3 एंड P0। P0 P1 P2 एंड P3। P0 मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला टेस्ट केसेस है, स्मोक टेस्ट केसेस, या फिर जो हम बोलते हैं ना कि एप्लीकेशन ओपन होता है तो एप्लीकेशन की मेजर कोर फंक्शनैलिटी हो गया। जैसे कोर फंक्शनैलिटी इस एप्लीकेशन का क्या होगा, ये लिंक प्रॉपरली वर्क कर रहा है क्या, ये पर्टिकुलर सर्च बार वर्क कर रहा है क्या, ये सारे न्यू अराइवल्स एंड ऑल, जो कोर फंक्शनैलिटी होगी वो ऐसी कोर फंक्शनैलिटी को हमने ग्रुप किया है इनटू P0। ओके P0 किया है, फिर देन देर इज अ P1। P1 थोड़ा सा हाईएस्ट प्रायोरिटी नहीं बट हायर प्रायोरिटी वाला टेस्ट केस है, हाई प्रायोरिटी वाला टेस्ट केस है। देन वी हैव P2 जो कि मीडियम प्रायोरिटी वाले टेस्ट केसेस है, फिर P3 है जो कि लो प्रायोरिटी वाला, लो प्रायोरिटी लो सेवेरिटी टाइप का जो होता है ना रिक्वायरमेंट। वैसे हम लोगों ने ग्रुप किया है P0 P1 P2 P3। तो
अभी हमारे पास P1 वाले ग्रुप थे, P1 वाले स्क्रिप्ट कुछ फेल हो रहे थे, बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन फेल हो जाता है कुछ रीजन की वजह से, कुछ भी रीजन हो सकता है, एक्स वाई जी रीजन, और वो पर्टिकुलर फिक्सेस मुझे करने थे, तो आई आई नीड टू क्रिएट अ टिकट। तो मैंने जब क्रिएट किया तब मैं इस P1 नाम के स्विट को फिक्स करने वाला, इसीलिए मैंने इस स्विट का नाम हमारा P1 ही है। स्विट मतलब पूरा नंबर ऑफ जो आपका स्क्रिप्ट रहेगा ऑल टुगेदर, उसका एक फोल्डर का नाम रहेगा, तो दैट इज समथिंग P1 नाम का स्विट है, तो वो स्विट मैं फिक्स कर रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे P1 दिया। जनरली देते नहीं है, बट वो हमारा इंटरनली हमारा अप्रोच ऐसा था कि हमें वैसे करना है। गॉट इट आतिक? ओके और डोंट वरी, मुझे हम जब ऑटोमेशन करेंगे ना तब आपको स्विट, स्क्रीन दिखती दिस इज बोल, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन, कैन यू रिपीट? है। हाँ, वो उधर देखिए आपका, इसमें एक ऑप्शन है लेबल्स के नीचे वाला, सेवेरिटी वाला, इसी स्क्रीन पे। उसको यस, नंबर दिया है 4। सेवेरिटी को, राइट? तो सेवेरिटी मतलब अभी ये जैसे तो ओके तो सिंपली क्या हो जाता है ना कि जैसे आप यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं, तो सिंपली यहाँ पर देखो इसका प्रायोरिटी, जैसे अगर मैं हाईएस्ट करूँगा तो हाईएस्ट मतलब जीरो प्रायोरिटी या फिर 1, हाई का रहेगा 2, मीडियम का रहेगा 3, लो का रहेगा 4, लोवेस्ट का रहेगा 5। जनरली हाईएस्ट का 0, हाई का 1, मीडियम का मतलब 2। उसमें जीरा में वैसा मेंशन होता है क्या? यस, आप ऐसे मतलब मैंने सिलेक्ट किया वहां पर, आपके यहाँ पर ये जो प्री कन्फिगर्ड है इसमें हाईएस्ट, हाई, मीडियम, लो और लोवेस्ट है। हमारे यहाँ पर सिलेक्ट, हमारे यहाँ पर क्या है सिलेक्टेड, वहां पर ऑप्शन है 0, 1, 2, 3, 4, एंड फोर इज द लोवेस्ट प्रायोरिटी, मतलब दैट्स माय क्वेश्चन, दैट्स करेक्ट। माय क्वेश्चन। तो मतलब मैं आप वहां क्या पर सिलेक्ट नंबर कर रहा हूँ। में डिफाइन होते हैं यस, प्रायोरिटी से? हमारे यहाँ पे नंबर में होता है प्रायोरिटी और सेवेरिटी, बाकी हाँ, जगह पे अलग अलग होता है, ठीक है? मतलब वो देन वन ऑफ 5 भी हो सकते हैं, वन ऑफ 10 भी हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, जैसे आप अपने हिसाब से सेट करते हो, कन्फिगर आप अपने हिसाब से करते हो, बट जनरली वन टू फोर ही रखते हैं, 1 to 4 रखते हैं। दैट 1 मतलब हाईएस्ट, 2 मतलब हाई, 3 मतलब मीडियम, और 4 मतलब लो या फिर लोवेस्ट, ऐसा। ओके ओके गॉट इट। देन ओके, और कोई क्वेरीज? ओके सो सिंपली गाइस, अभी हम लोग जीरा पे आते हैं, तो यहाँ पर लेट्स गाइस लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस जीरा बोर्ड नाउ। अभी जीरा बोर्ड पे हमारे गाइस, सिंपली जीरा बोर्ड में सबके टास्क यहाँ पर दिखेंगे। सो इश्यूज, ओनली इश्यूज ऑफ, ओनली माई इश्यूज, नो आई डोंट वॉन्ट, मुझे अपने इश्यूज नहीं है यहाँ पर। वी कैन सेट द जीरा बोर्ड, हम लोग अपने स्टैंड अप में गाइस सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है कि किसका किसका आपको इश्यूज देखना है। यू नीड टू सर्च फॉर पर्टिकुलर, सर्च करना है आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन का, तो हियर यू विल सिंपली यू विल हैव द रवि का बोर्ड, तो रवि का बोर्ड आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है? अनअसाइंड का बोर्ड आपको यहाँ पर दिखेगा, अगर मैं अपने आप को सिलेक्ट करूंगा मेरा बोर्ड यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है? सो सिंपली लाइक दिस आपको यहाँ पर ऑप्शन होते हैं, यू कैन यू कैन सिंपली ओके जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू वन मोर थिंग हियर बिफोर वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द रिपोर्ट। अभी ये कैनवन रिपोर्ट जो होता है, इसमें ऑल रिपोर्ट्स मतलब ऑल सारी चीजें आपको दिखेगी, सारी चीजें आपको यहाँ पर जीरा बोर्ड पे दिखना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? तो सिंपली रिसेंटली अपडेटेड वगैरह भी आप मेंशन कर सकते हो, ओनली माई इश्यूज, तो सिर्फ मुझे मेरे इशू दिखेंगे। रिसेंटली अपडेटेड, आप सारे फिल्टर क्लियर करना चाहते हो, यू कैन क्लियर इट एंड यू कैन कीप इट। सिंपली आप ऐसी ऐसे सिंपली आप चीजें रख सकते हो। नाउ हियर हम लोग किसी भी गाइस इस किसी भी पर्टिकुलर टिकट का स्टेटस चेंज कर सकते हैं। लेट्स से ये लोगो वाला पर्टिकुलर टिकट है गाइस, ये लोगो वाला टिकट मुझे किसी को असाइन करना है। सिंपली लोगो वाला जो डेवलपर है, लेट्स से लोगो वाला डेवलपर कौन है, लोगो वाला डेवलपर चेंज कर देते, लोगो वाला प्रिया को असाइन कर देते, लेट्स असाइन इट टू द प्रिया। तो ये पर्टिकुलर लोगो वाला गाइस पर्टिकुलर बग मैंने डिस्कस करके प्रिया को असाइन कर दिया, तो जैसे मैं प्रिया को असाइन कर दूंगा ओके वी आर नॉट गेटिंग द सेम ऑप्शन हियर,
ठीक है, देखते हैं ये असाइन हुआ क्या प्रिया को. ओके समथिंग, ये असाइन हो गया प्रिया को, राइट. ये पर्टिकुलर बग है असाइंड रवि को, और मैंने ही इस पर्टिकुलर बग का स्टेटस चेंज किया था, विच इज गाइस डन है, इसीलिए वो यू नो सिंपली स्ट्राइक ऑफ हो रहा है. तो सिंपली जैसे ही प्रिया इसके ऊपर काम करेगी, प्रिया डेवलपमेंट करने का काम स्टार्ट करेगी. सिलेक्टेड फॉर डेवलपमेंट इन प्रोग्रेस डन, उसका स्टेटस चेंज कर सकती है फ्रॉम दिस एज वेल. क्लियर एवरीवन? आप यहाँ से भी अपना स्टेटस चेंज कर सकते हो. और जब प्रिया अपने इश्यूज में जाएंगी, उसको अपने माय ओपन इश्यूज में प्रिया को अपना जो टिकट असाइंड है, बैकलॉग जो असाइंड है वो दिखेगा. सो जैसे वो क्लिक कर लेगी, यू विल गेट द ऑप्शन लाइक दिस. यहाँ पर उसको ऑप्शन दिखेगा. सो नाउ हियर सिंपली प्रिया को, जैसे मेरा बोर्ड था गई, सिंपली यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे. प्रिया वैसे ही इसका सब टास्क क्रिएट कर सकती है. प्रिया कैन क्रिएट द सब टास्क. प्रिया कैन अटैच, मतलब उसके ऊपर काम करके अटैचमेंट अटैच कर सकती है प्रिया की. ओके दिस पर्टिकुलर बग इज फिक्स्ड, और जैसे ही फिक्स हो जाएगा, शी विल चेंज द स्टेटस ऑफ इट. उसका स्टेटस चेंज कर देगी. तो स्टेटस समथिंग गाइस कहाँ पे है, रिपोर्टर इवन गाइस, ये फ्री वर्जन में बहुत सारी चीजें नहीं होती है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, आई डोंट थिंक सो. यहाँ पर कुछ स्टेट, यहाँ पर ही स्टेटस चेंज करने का ऑप्शन मिलता है जनरली. ओके ओके यहाँ पर है बैकलॉग. लेट्स से प्रिया ने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, सिलेक्टेड फॉर डेवलपमेंट. सिलेक्टेड फॉर डेवलपमेंट कर दिया, तो जिसने रिपोर्ट किया गाइस, फॉरन टाइमिंग आई एम द डेवलपर, या फिर सिंपली मैंने ये पर्टिकुलर डिफेक्ट ट्रेस किया था, तो नाउ आई वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, आई वुड बी एबल, आई मीन आई आई विल बी एबल टू नो हियर कि प्रिया ने इस पर्टिकुलर टिकट को डेवलपमेंट के लिए पिक कर लिया. करेक्ट. नाउ जैसे ही प्रिया उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेगी, शी विल चेंज इट इन इन प्रोग्रेस सिलेक्ट करेगी. जैसे ही उसको फिक्स करेगी, डन में आ जाएगा, तो वी विल गेट द नोटिफिकेशन. जैसे मुझे स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन आया था दैट प्रिया ने पर्टिकुलर इन प्रोग्रेस को डन किया था, तो वैसे आई गेट द नोटिफिकेशन. प्रिया इज द डेवलपर. लेट्स से प्रिया ने इन प्रोग्रेस से स्टेटस चेंज किया डन में. डन मतलब ये पर्टिकुलर टिकट फिक्स हो गया. अगर मैं डेवलपर हूँ गाइस, पर्टिकुलर डिफेक्ट अगर वो चेंज करती है फिक्स में, फॉर एग्जाम्पल डन के जगह पे यहाँ पे फिक्स्ड है, मतलब डेवलपर ने फिक्स किया, तो टेस्टर का काम क्या होता है गाइस, रीटेस्ट करना, यस और नो. लेट्स से यहाँ पर फिक्स्ड है पर्टिकुलर डिफेक्ट, टेस्टर का काम क्या होता है, डेवलपर ने डिफेक्ट फिक्स करने के बाद टेस्टर का काम होता है रीटेस्ट करना. रीटेस्ट क्यों करते हैं, टू एंश्योर कि जो डिफेक्ट रेस किया था टेस्टर ने, वो डेवलपर ने फिक्स कर लिया. ये आपको इंश्योर करने के लिए आपको क्या करना होता है, यू नीड टू डू द रीटेस्टिंग. करेक्ट. तो आप रीटेस्टिंग करोगे. रीटेस्टिंग करके अगर आपको पता चला कि वो डिफेक्ट फिक्स हुआ है, तो आप उसको मार्क करोगे डन, वो टिकट क्लोज हो जाएगा, डन स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा. एंड गाइस अगर फिक्स नहीं हुआ है तो वी कैन सिंपली रीओपन इट. अगर फिक्स नहीं हुआ है तो मैं रीओपन कर दूंगा, और वो टिकट प्रिया को असाइंड है, तो प्रिया को फिर से प्रिया के बकेट में दिखेगा कि अविनाश हैज चेंज द स्टेटस फ्रॉम फिक्स्ड टू रीओपन. रीओपन क्यों किया है, तो गाइस आई सिंपली राइट डाउन द कमेंट, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में वगैरह मैं फिर से ऐड कर दूंगा, कमेंट में ऐड कर दूंगा. आई कैन अटैच द स्नैपशॉट कि ये पर्टिकुलर बग फिक्स नहीं हुआ है, फिर से चेक करो. सो दिस इज समथिंग गाइज, आपका ये एप्लीकेशन है जिससे आपको एंटायर टीम का आप लोग ट्रैक रख सकते हो. देन देर आर लॉट ऑफ रिपोर्ट्स गाइज, इसमें कुछ क्वेरीज रिलेटेड टू बोर्ड, रिलेटेड टू स्टेटसेस. ऑल क्लियर राइट एवरीवन? किसी का कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? निशा, परितोष, ऑल गुड राइट? तो जैसे आप यूज करोगे, आप यूज करना ट्रायल वर्जन, आप यूज करके देखना. इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरीज लेट मी नो, तो हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स गो टू द दिस रिपोर्ट्स. ये रिपोर्ट सेक्शन में आप जो रिपोर्ट चाहते हो, दिस सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट्स आपको मिलेंगे. कम्युलेटिव फ्लो कंट्रोल हो गया राइट, डेवॉप्स रिपोर्ट आपको चाहिए, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन का डिप्लॉयमेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, आपको पाई चार्ट चाहिए, कितने इशू आपने क्रिएट किए थे और कितने आपने रिजॉल्व किए, इसका रिपोर्ट चाहिए ग्राफ में.
बार चार्ट चाहिए, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल गाइस। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर, टाइम ट्रैकिंग रिपोर्ट भी अवेलेबल होता है, लॉट ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल हियर। टेस्ट आपने कितने कवरेजेस किए हैं, टेस्ट एग्जीक्यूशन लिस्ट चाहिए आपको, टेस्ट प्लान का लिस्ट चाहिए, टेस्ट प्लान मैट्रिक्स चाहिए, ऐसे सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है गाइस। टेस्ट रन कितने किए आपने, टेस्ट सेट कितने हैं, टेस्ट लिस्ट क्या है, देयर लॉट ऑफ थिंग। ट्रेसेबिलिटी गाइस, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स देखा था हमने, याद है एवरीवन? वी हैव टू मैच आर रिक्वायरमेंट अगेंस्ट रिक्वायरमेंट, मतलब जो रिक्वायरमेंट है गाइस, रिक्वायरमेंट के साथ हम लोग टेस्ट केसेस को मैप करते हैं, दैट इज फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी। और रिक्वायरमेंट के साथ या फिर पर्टिकुलर गाइस जो जो आपका सिंपली टेस्ट जो आपका पर्टिकुलर टेस्ट केसेस था उसके अगेंस्ट आपको डिफेक्ट मिलता है, तो दैट इज समथिंग योर बैक बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी, राइट? तो ये भी आपका फॉर्म होता है, सिंपली आपको टिकट असाइन करना है, टिकट में जो भी चीजें है वो एपिक क्रिएट करना है, यूजर स्टोरी क्रिएट करना है, ट्रेसेबिलिटी अपने आप प्रिपेयर करके हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें मिल जाएगी आपको, बर्न अप चार्ट, बर्न डाउन चार्ट, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स एंड ऑल, बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। यू सिंपली यू नीड टू कन्फिगर इट। यहाँ पर आपको ऑप्शन अवेलेबल है 10 डेज के गाइज, आपको अलग अलग टूल्स, वैसे मैंने एक्सरे सिलेक्ट किया था इसीलिए एक्सरे के रिपोर्ट वगैरह मुझे मिल रहे हैं। तो यार अगर हम लोग टेस्ट कवरेज में आते हैं, तो यार वी विल गेट द टेस्ट कवरेजेस। ठीक है, टेस्ट कवरेजेस हमें मिलेंगे, यहाँ पर हम लोग जनरेट रिपोर्ट करेंगे तो रिपोर्ट जनरेट हो जाता है। ऑटो ऑन अ सिलेक्शन, आपने जो स्टेटसेस चेंज किए हैं उसके बेसिस पे आपको रिपोर्ट जनरेट होता है एवरीवन। ओके, तो यहाँ पर आप एनवायरमेंट सिलेक्ट कर सकते हो, कौन से एनवायरमेंट का आपको और रिपोर्ट चाहिए, वर्जन चाहिए, टेस्ट प्लान क्या है, जो भी चाहिए गाइस सिलेक्टेड, ग्रुप बाय कैसे करना है आपको, प्रायोरिटी के हिसाब से ग्रुप करना है, स्टेटसेस के हिसाब से, रिजोल्यूशन के हिसाब से, फ्लैग एपिक क्या चाहिए आपको, सिंपली बेस्ड अपॉन रिस्क आपको रिपोर्ट चाहिए, यू कैन सिलेक्ट इट, कैसा चाहिए, फ्लैट चाहिए, हायरार्किकल चाहिए, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, इफ यू हैव अ डिफरेंट प्रोजेक्ट यू कैन सिलेक्ट इट। तो सिंपली हम लोगों ने सिलेक्ट किया, इफ यू जनरेट द रिपोर्ट वी विल गेट द गाइज रिपोर्ट हियर, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने प्रॉपरली इसको वर्क ही नहीं किया, इसीलिए इट इज नॉट एबल टू जनरेट एनीथिंग, इसीलिए रिपोर्ट आपका यहाँ पर फाउंड नहीं हुआ। तो ये टेस्ट कवरेज रिपोर्ट है गाइज, कि आप कितने टेस्टिंग कि क्या स्टेट यू नो टेस्ट कवर कर रहे हो, इसका कवरेज आपको मिलता है। ठीक है, हियर आपको ट्रेसेबिलिटी में जाओगे तो ट्रेसेबिलिटी रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, हियर यू कैन ऐड द ट्रेसेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, जनरेट रिपोर्ट करोगे तो ट्रेसेबिलिटी आपका मैच हो जाएगा, बट यू नो इट वेरी वेल आपको रिक्वायरमेंट गाइस क्या होता है फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी का मतलब, व्हाट इज फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी, मैपिंग मैपिंग द यूजर यस मैपिंग द रिक्वायरमेंट या फिर यूजर स्टोरीज अगेंस्ट द टेस्ट केसेस, तो आप मैप कर दोगे ट्रेसेबिलिटी रिपोर्ट जनरेट होगा। इफ यू आर मैपिंग द योर रिक्वायरमेंट या फिर यूजर स्टोरीज जो है उसके अगेंस्ट आपको जो बग मिलते हैं, तो दैट इज क्या होता है, व्हाट इज दैट, दैट इज बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी। सो ये सारी चीजें आपको ऑर्गेनाइजेशन में काम में आएगी, जो काम में आएगी उतनी चीजें सीखो। जीरा इतना बड़ा है ना गाइस, आप मतलब किसी भी पर्सन को बुला लो, कोई जीरा आपको 100% डेफिनेटली नहीं पढ़ा पाएगा, क्यों, क्योंकि बहुत बड़ा है, इसमें इतने प्लगइन्स है, इतने टूल है, इतना डेवलपमेंट एवरीडे आता रहता है ना, नो वन वुड बी एबल टू यू नो शोकेस ऑल द थिंग्स। तो सिंपली आप कोई कंफ्यूजन मत रखना गाइस, सिंपली आप अपना आपके लिए जो आपके प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट काम डिफर हो जाते हैं, रिपोर्ट डिफर होते हैं, तो जो भी आपको रिपोर्ट चाहिए तो सिंपली आपको जो रिपोर्ट रिक्वायर्ड होते हैं वो रिपोर्ट आपको वहां पर मिलना स्टार्ट होगा। ओके, देन यहाँ पर इश्यूज में जाओगे तो आप फिल्टर कर सकते हो, इश्यूज ऑल इश्यूज, माय ओपन इश्यूज, रिपोर्टेड बाय मी, ओपन इश्यूज, डन इश्यूज, विव्ड रिसेंटली, रिजॉल्व्ड रिसेंटली, ऐसे फिल्टर लगा के आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो। आप पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से भी असाइनी और जिसको असाइंड है उस हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हो ऑल दीज इश्यूज। ओके, ये इशू वाला टैब है। देन वी हैव अ कंपोनेंट, कंपोनेंट का काम नहीं होता गाइज आपको, कंपोनेंट सिंपली सेटअप किया जाता है फिलहाल, आई डोंट थिंक सो आपके लिए कुछ काम का है कंपोनेंट। ओके, कोड जो करता है कोड और डेवलपमेंट रिलेटेड गाइस, को ये डेवलपर्स का काम हो गया, डेवलपर का कौन सा कोड वो लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका गिट
हब, बिट बकेट वगैरह, गिट हब, बिट बकेट, गिट लैब, ऐसे ये जो टूल्स है गाइस, दिस गिट लैब, गिट आपका गिट हब हो गया, बिट बकेट हो गया, इनकी जो रिपोजिटरीज है, ये रिपोजिटरीज आप यहाँ पर सिंपली अटैच कर सकते हो, तो जो भी डेवलपर जो भी कोड देखेगा वो कोड लिंक हो जाएगा यहाँ पर. ओके, जो आप रिलीज करोगे, डेवलपमेंट टीम जो भी एप्लीकेशन का रिलीज करेगी, रिलीजेस यहाँ पर दिखना स्टार्ट होगा. तो गाइज यहाँ पर वर्जन कंट्रोल टूल्स काम में आते हैं. सिंपली यहाँ पर आपके डेवॉप्स के जो टूल्स होते हैं, दैट आपका जेनकिन्स हो गया, क्यूबरनेट्स हो गया, ये सारे टूल्स, रिलीजेस, डॉकर वगैरह हो गया, वो सारे टूल रिलीजेस में काम आते हैं. दैट इज नॉट आर टास्क, ये डेवलपमेंट टीम का टास्क है. ओके, और जैसे जैसे आप ऑटोमेशन सीखोगे, तो ऑटोमेशन में शायद आपका आप भी कोड करते हो ऑटोमेशन टेस्टिंग में, तो वो कोड भी आप अटैच कर सकते हो, वो ऑलरेडी कन्फिगर्ड हो जाता है, आपका टिकेट इससे लिंक हो जाता है, सिंपल. ओके, देन प्रोजेक्ट पेजेस, शॉर्टकट्स वगैरह आप ऐड कर सकते हो, आप सेट प्रोजेक्ट की सेटिंग कर सकते हो. सिंपली यू कैन डिटेल, समरी, पीपल, परमिशन, फीचर, टूल चेन, यहाँ से आप गाइस सिंपली आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो. यू कैन सेट योर प्रोजेक्ट, आपको जैसा प्रोजेक्ट चाहिए आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो. तो मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रोजेक्ट नेम वगैरह चाहिए, मुझे अवतार एंड ऑल डिस्क्रिप्शन चाहिए, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेगी. समरी, कोई समरी कैसा दिखना चाहिए, यू कैन सेट योर समरी. समरी टाइप में आपको क्या क्या चाहिए, बग चाहिए, इपिक चाहिए, स्टोरी चाहिए, सब टास्क चाहिए, टास्क चाहिए, दीज आर द कंपोनेंट्स अवेलेबल. यू कैन चेंज इट गाइस, सिंपली यू कैन चेंज इट इफ यू वांट टू चेंज इट. आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन लोग इन्वॉल्व्ड है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी. परमिशन, किसको किसको क्या क्या रोल देना है, परमिशन क्या देनी है, यू कैन सिलेक्ट इट, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो. ये सारा टास्क हमारा नहीं है, ये प्रोजेक्ट और जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मैनेज करता है, स्पेशली आपके स्क्रम मास्टर वगैरह, उनका काम रहता है ये. तो सिंपली हमारा काम क्या होता है, हमारा काम होता है इश्यूज में जाके हमारे जो इश्यूज है उसको देखो, अंडरस्टैंड करो, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रिव्यू करो, डिस्क्रिप्शन अंडरस्टैंड करो, उस हिसाब से गाइस टेस्ट केसेस प्रिपेयर करो, टेस्ट केसेस लिंक करो, अटैच करो, दैट्स इट, ये हमारा काम रहेगा गाइस. सो दिस इज व्हाट योर जीरा टूल इज, ठीक है, इसका प्रैक्टिस करना गाइस. मैं आप लोगों को कुछ आज के दिन में वीडियोस वगैरह देख के, कोई अच्छा वीडियो मुझे मिलता है तो दैट उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, देख लेना थोड़ा सा, और भी आइडिया डिटेल में आ जाएगा, रादर देन मी, मेरे से अच्छा सिखा पाएंगे, आई एम वेरी श्योर. मैं किसी का वीडियो चेक करके आपको बताऊंगा. उसके बाद गाइस कल एक लास्ट लेक्चर लेंगे, जिसमें आप आज प्रैक्टिस करो, आपके कुछ क्वेरीज रहेगा तो वी विल डिस्कस, और मैं कुछ स्नैप्स वगैरह, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कैसे होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, उसके कुछ स्नैप्स वगैरह मैं आप लोग